बढ़ते हैं। केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। इस साल केदारनाथ यात्रा में संचालित होने वाले घोड़े और खच्चरों, साथ ही होकरों और संचालकों के बारे में यात्री इस बार पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर 3 स्थानों पर कियोस्क स्कैनर लगाए जाएंगे, जिससे घोड़ा और खच्चरों के संचालन को बेहतर करने में मदद के साथ ही शिकायतों का त्वरित निस्तारण भी हो सकेगा। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा में घोड़े और खच्चरों की अहम भूमिका रहती है। यात्रा में इन सभी का प्रयोग किया जाता है। सोनप्रयाग उत्तराखंड 25 अप्रैल से आपको बता दें कि यात्रा केदार यात्रा जो है वो शुरू होगी। चारधाम यात्रा के दौरान पैदल मार्ग पर लगाए जाएंगे ये कियोस्क स्कैनर। इनकी बदौलत आपको बता दें कि घोड़े और खच्चरों और साथ ही तमाम शिकायतों को यहाँ पर सभी श्रद्धालु पंजीकृत भी करा सकेंगे और उन शिकायतों का निवारण भी होगा। देखिए, कभी कभी शिकायत आती है कि जो घोड़े खच्चर चला रहे हैं या फिर जो डंडी कंडी चला रहे हैं उनकी उन व्यक्तियों की पहचान नहीं हो पाती, या फिर यात्रियों को कोई शिकायत करनी हो तो नहीं कर पाते हैं अगर किसी बात की। तो हमने ये इस बार इस तरह के आई कार्ड्स हम जनरेट कर रहे हैं और सभी हॉकर्स को भी, घोड़े खच्चर मालिक और जो डंडी कंडी ले जाते हैं उनको भी हम आई कार्ड इशू करेंगे और उन आई कार्ड्स के आइडेंटिफिकेशन के कियोस्क 3-4 जगहों पर ट्रैक मार्ग में लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर कोई भी यात्री उनके आई कार्ड्स को स्कैन करके उनकी आइडेंटिटी, उनकी डिटेल्स या फिर जिस घोड़े खच्चर पे वो चल रहा है उसके बारे में डिटेल्स पता लगा सकता है। और इस तरह से हम लोग ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बीमार घोड़ा खच्चर ना चले, जो भी घोड़ा खच्चर चले उसकी अगर डिटेल्स वहाँ पे दिखी जाए तो उसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप हो रखा हो, वही यात्रा कर पाएगा।